गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं सीरम लगा रही थी अपने बालों में क्योंकि सुबह उठने के बाद मेरे बाल थोड़े झबरू झबरू से हो जाते हैं। मैं सीरम लगा रही थी क्योंकि मैंने कल ही हेड वॉश किया था, दैट्स व्हाई। गाइस काफी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कोई हेल्दी रेसिपी लाओ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ब्राउनी टाइप बनाने की सोचूंगी, वो भी हेल्दी वर्जन। मैंने अभी तक वो बनाई नहीं है, एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर वो अच्छी बन गई तो वेल एंड गुड, नहीं बनी तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। हम इसको फुल हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जैसे ब्राउनी होती है, ब्राउनी में काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं जो अनहेल्दी होती है, जैसे फ्लावर वगैरह हो गया, शुगर वगैरह हो गया। तो हम इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढकर, जैसे शुगर की जगह हम डेट्स यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने सोचा। और हम ये रेसिपी बनाएंगे एयर फ्रायर में। तो मैं सोच रही थी कि मैं एयर फ्रायर में और क्या क्या रेसिपीज बना सकती हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि बनाते हैं, लेट्स ट्राई। चलते हैं किचन में, साथ रख देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले वार्म मिल्क में हम डेट्स डाल देंगे, इसके सीड्स को अलग करके, इससे जिससे कि थोड़ी देर के लिए सोख हो जाए मिल्क में, तो इसको हम साइड रखेंगे। पहली बात ना, ये जो बनाना है मैंने दुकान वाले अंकल को बोला था कि थोड़ा सा पका हुआ वो देना, उन्होंने एकदम ही मेरे को कच्चा दे दिया। कोई बात नहीं, हम इसी से बनाएंगे, मैश करेंगे बढ़िया करके। यार मेरे साथ ही क्यों होता है, जब तक कुछ चीज़ गिरती नहीं है ना तब तक काम बनता नहीं है। मैंने लिए मैश हो चुका है, सॉरी, दो अंडे, एक डालूँ दो डालूँ, आई थिंक एक इनफ होगा, एक इनफ है। मिक्स करने के बाद इसमें डालूंगी वनीला एसेंस, खुल जा, स्ट्रॉन्ग होती है इसकी स्मेल। केक बहुत बना रखे हैं रेसिपी के साथ, देख के बनाए हैं। बस ना बीटर है, बट मैं सोच रही थी कि इसको किसी छोटे कंटेनर में डालना पड़ेगा फिर बीट, नहीं तो अगर मैं इसी में करूंगी ना तो सारा उड़ जाएगा, नहीं तो मैं बीटर से ही करती। ना 5 मिनट हो गए इसको विस्क करते करते, अब देखो ये कितना फ्लफी सा हो गया है। मैंने डेट्स और मिल्क का मैंने ग्राइंड कर दिया है, मैं ये मिलाऊंगी। मैं क्वांटिटी अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर अच्छा बन गया तब मैं आप लोगों को क्वांटिटी बताऊंगी कि मैंने कितना कितना लिया। अपने हिसाब से ओट्स लिए हैं, ग्राइंड करके ओट्स। गाइस हेल्दी बोला है तो हेल्दी बनाऊंगी ना, तो एक स्कूप डालूंगी वे प्रोटीन का, ये है चॉकलेट फज। तो हम ब्राउनी बना रहे हैं तो उस हिसाब से चॉकलेट फज थोड़ा रिलेट कर रहा है, तो इसका फ्लेवर एकदम सही जाएगा ब्राउनी के साथ। ये मेरा नया डब्बा रखा था, मैं इसको खोल रही हूँ ब्राउनी के लिए, नहीं तो मेरे पे और भी फ्लेवर्स पड़े हैं, बट मेरे को ये चॉकलेट फज वाला फ्लेवर डालना है। पहले खोल के क्यों नहीं रखा। स्कूप मैं वे प्रोटीन डालूंगी, वाव क्या टेक्सचर है। बेकिंग पाउडर और इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा। गाइस मैं 1 चम्मच कोको पाउडर भी डाल रही हूँ कलर एंड फ्लेवर के लिए। मैंने सोचा लास्ट में मैं डार्क चॉकलेट तो डालूंगी, बट मैं इतनी नहीं डालूंगी कि उसका एकदम कलर ही आ जाए ब्राउनी में। सो मेरे को 1 स्पून ये भी डालना पड़ रहा है, 1 स्पून कोको पाउडर। हमने ये मिक्सचर बनाया है, अब हम इसको छानेंगे जिससे कि जो लम्स होते हैं ना वो ना आए। वाह क्या ग्रीसिंग करी है, धीरे करके मिक्सचर डालेंगे, कुछ चीज गिरे ना तो काम नहीं बनता है। नट्स डाल रही हूँ, डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ, मेरे पे और कोई छोटा टिन नहीं था इसलिए मैंने इसी में बनाया, और थोड़ी सी डार्क चॉकलेट। तो मैं इसको रख रही हूँ इसके अंदर, भाई जलियो मत मैं बता रही हूँ, इसको 180°C पे रख रही हूँ 19 मिनट के लिए। तो देखते हैं, मतलब अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे बनने में तो उसको बढ़ा दूंगी मैं, तो हम देखते हैं। होप सो कि अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि इसके मेजरमेंट्स बता दूंगी। उठाऊंगी इससे, मम्मी इधर आओ, वहां पे रख दो। वाओ ठीक है, ब्राउनी ऐसी होती है। गाइस गरम हो रहा है, इससे अच्छा क्या मिलेगा अब। स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट किया है, ठीक है अब ये फर्स्ट बाइट मैं मम्मी को खिलाने वाली हूँ, फर्स्ट बाइट मम्मी को खिलाऊंगी और मम्मी बताएगी। बर्थडे नहीं चल रहा है। अच्छे बनाए, बहुत अच्छा बनाए, मैं भी खा लूं, और मीठा भी बिल्कुल अच्छा है, ठीक ठाक बिल्कुल।
ट्राई कर सकते हो तुम लोग। थोड़े दिन बाद मैं इसका मेजरमेंट बता दूंगी। अब बोल रहे थे आप केक बहुत अच्छा बना है लेकिन जो किचन में जो आतंक मचा हुआ है ना, मैं करूंगी साफ। करूंगी या अभी करेगी? अब मम्मी ओरी को भी अच्छा लगा है क्योंकि उसमें एग है, उसको अच्छा लगा है। सो गाइस मैं जिम के लिए रेडी हो चुकी हूँ एंड आज मैंने ये वाला कंप्रेशन जैकेट पहना है जो कि मैंने फर्स्ट टाइम मैं पहनूंगी इसे और काफ़ी अच्छी फिटिंग है इसकी गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिटिंग है। इसका लिंक चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं आप लोगों को वेट कॉल आ रहा है का। काश आज चल जाए नहीं तो उस दिन की तरह वीडियो रह जाएगी। मैं आपको जल्दी से रिमाइंड करा देती हूँ कि मेरी आज कन्वेंशनल डेडलिफ्ट है एंड मैं फटाफट से प्री वर्कआउट वगैरह लेकर स्टार्ट करूँगी। ज़्यादा हैवी नहीं है। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ कन्वेंशनल पर। तुम ना वर्कआउट नहीं हो पाता ढंग से, या तो वीडियो ही बना लो या तो तुम वर्कआउट ही कर लो, फिर ऐसा सीन है ना। थोड़ा वार्म अप करेंगे इस वाले बैंड से। और एक तो सेट करेंगे केटलबेल से क्योंकि आज डेडलिफ्ट है मेरी, वो भी कन्वेंशनल, तो थोड़ा लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों ही वार्म अप करनी पड़ेगी। सो गाइस सबसे पहले तो ये वेट मेरे को खाली करना पड़ेगा, सबसे टफ काम। और मैं आप लोगों को बता दूं कन्वेंशनल इसलिए कोच ने डिसाइड किया है कि अब थोड़े टाइम के लिए हम कन्वेंशनल करेंगे क्योंकि कन्वेंशनल स्ट्रांग होगा तो सूमो स्ट्रांग होगा। कन्वेंशनल को बिल्ड करूंगी, जैसे तीन दिन पहले अभी स्टार्ट हुआ है इसी हफ्ते, सो तीन दिन पहले मेरा 95 में एक रैप था तो आज डिलोड हो गया होगा तो आई थिंक 75 में एक रैप है। ऐसे ऐसे करके हर वीक 5-5 10-10 किलो बढ़ेगा तो नेक्स्ट वीक आई थिंक 100 या 105 पे होगा शायद मे भी। तो आज तो कम वेट पे है एंड एसेसरीज बहुत सारी हैं। टाइम हो रहा है 6:30
अब मेरे को थोड़ा ना पैकअप करने में ना आलस आता है क्योंकि ठंडा हो जाता है ना रात को, तो मैं पूरा अच्छे से कवर करके जाऊंगी अपने आप को। बाकी घर में जाके मील खाएंगे अपना बढ़िया सा चिकन राइस। ओहो बॉटल यहाँ पड़ी है, मैं पूरा जिम ढूंढ कर आ गई, बॉटल कहाँ चली गई मेरी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि अब मैं थोड़ा अच्छे से वीडियो बनाना सीख गई हूँ और आगे बहुत काम करना है वीडियो को अच्छे से एडिट करने में। अब मैं शॉर्ट्स डालना भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो शॉर्ट्स पे भी थोड़ा प्यार प्यार दिखाना। बाकी न्यू कंटेंट भी मैं लाती रहूँगी, जैसे जिम के अलावा जो होता है, थोड़ा जिम से अलग भी कंटेंट लाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जिम से अलग जो मैं कंटेंट डालती हूँ ना उसमें भी आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हो। सो मैंने सोचा है कि थोड़ा जिम के बाहर भी शूट करेंगे। और अब मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ, ठंड लग रही है, अब मैं जा रही हूँ घर।